गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस आप कुछ इस तरीके का दिवाली स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को बनाने से पहले करने के आपको इस वीडियो कर देना है एक लाइक, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए इसी तरीके का नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले गाइस आपको अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको करने के असेंबली यहाँ पे आपको 9x16 का साइज सिलेक्ट कर लेना। 9x16 का साइज सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करने के असेंबली मीडिया पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड पिक सिलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पिक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इस सबको इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना, और इस बैकग्राउंड की लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ा लेनी है। तो गाइस आप जितना बड़ा वीडियो बनाना चाहे उतना बड़ा आपको बैकग्राउंड का लेंथ कर लेना है। उतना बड़ा करने के बाद इस सबको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे इक्वल करके इसको इस तरीके से आपको जूम करके यहाँ पे आपको अच्छे से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस सबको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस सबको करने के असेंबली लेयर पे क्लिक कर देना, और लेयर पे क्लिक करने के बाद इस सबको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद इस सबको यहाँ पे एक ये वाला टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस सबको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद इस सबको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना है, और ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद इस सबको इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस सबको इसके लास्ट के ऑप्शन पे जाना, और इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू ऐड अपलेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद इस सबको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद इस सबको करने के लिए सिंपली इस ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और इसका ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद इस सबको सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना, और फिर से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस सबको मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद इस सबको यहाँ पे एक ये वाला टेक्स्ट पीएनजी सिलेक्ट कर लेना है। इस टेक्स्ट पीएनजी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आकर इसको भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस सबको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस सबको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना, और इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस सबको यहाँ पे टिक कर लेना। टिक करने के बाद इस सबको इसकी भी लेंथ लास्ट तक ले जानी है, और लास्ट तक ले जाने के बाद इस सबको करने के सिंपली यहाँ पे इस तरीके से स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस सबको यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस सबको मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद इस सबको यहाँ पे अपनी फोटो पीएनजी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस अपनी फोटो का पीएनजी बना के इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद इस सबको इस फोटो का साइज कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इस सबको इसके क्रॉपिंग पे जाना, और इसकी क्रॉपिंग मास्क इनेबल कर देना, और इसका फेदर कुछ इस तरीके से हल्का आपको बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद इस सबको यहाँ पे टिक कर लेना, और इसका लेंथ आपको लास्ट तक कर लेना है। लास्ट तक करने के बाद इस सबको फिर से स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस सबको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, और मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद इस सबको यहाँ पे अपनी एक और फोटो पीएनजी सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से अपनी फोटो पीएनजी सिलेक्ट कर लेना, और इसको इस तरीके से आपको जूम करके आपको यहाँ पे इस तरीके से इस तरफ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस आपको इस फोटो की भी लेंथ आपको लास्ट तक कर लेनी है। लास्ट तक करने के बाद इस आपको करने के है सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको लेयर पे क्लिक कर देना। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस आपको मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद इस आपको यहाँ पे एक ये वाला टेम्पलेट वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद इस आपको करने के सिंपली इसके नीचे रोटेट का ऑप्शन पे जाना, और इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इस आपको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना, और इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस आपको फिर से यहाँ ऊपर की ओर आ जाना है। ऊपर की ओर आने के बाद इस आपको यहाँ पे अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसकी अल्फा ओपेसिटी कुछ इस तरीके से 60 कर लेनी है आपको। यहाँ पे 60 या 50 या कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इस तरीके से कर लेना। और इसके लास्ट के ऑप्शन पे जाना। लास्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद इस सबको इस कैंची के ऑप्शन में क्लिक कर देना। कैंची के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इस सबको ट्रिम टू ऐड अपलेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद इस सबको इसके ऑडियो के ऑप्शन में जाना। इसका ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद इस सबको सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाऊँ। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस सबको यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना, और मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद इस सबको यहाँ पे एक आपको फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी सिलेक्ट कर लेना। तो इस फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस सबको इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद इस सबको इसका साइज आपको लास्ट तक ले जाना है,
और लास्ट तक ले जाने के बाद इसे आपको यहाँ पे टिक कर लेना। टिक करने के बाद इसे आपको सिंपली फिर से स्टार्टिंग पे आ जाना और यहाँ पे आपको एक आईडी ऐड कर लेना है। आईडी ऐड करने के लिए इसे आपको अपने आईडी के ऑप्शन में जाना और अपने आईडी के ऑप्शन में जाने के बाद इसे आपको फोल्डर पे जाना है और आपने जहाँ भी अपना आईडी डाउनलोड करके रखा हो आपको वहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इसे आपको इसके लास्ट के ऑप्शन में जाना और इससे आईडी के ऊपर क्लिक कर देना और कैचे के ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम टैड पर क्लिक करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद इस देख सकते हैं वीडियो ये कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो इसको सेव करने के लिए इसे आपको करने के सिंपली शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको 1000 SC रेशियो सिलेक्ट कर लेना और ब्राइटनेस हाई कर लेना और इसको एक्सपोर्ट भी क्लिक कर देना है।